गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30। आज तो काफ़ी ज़्यादा काम है, एक एक करके सारे काम को करते हैं। आज खाना बनाने से लेकर के साफ़ सफाई करना है, गेहूँ डालना है छत पे सूखने के लिए, खेत जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा काम है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो फिर चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है, मैं सोचा था 5 बजे जग जाऊँगा। चलिए देखते हैं फिर। ये चाल हो गया ना? हाँ हो गया है। सीटी बना रहा है कि नहीं? फ्लेम तेज़ है क्या? सही तो है, सीटी बन रहा है, सही है। तो अब यहाँ पे जो चावल है ना, इसको रख देते हैं इसमें। और तो ये तो पूरी तरह से भर चुका है, इसको हम साइड कर देते हैं। और इसके बाद क्या किया जाए? यहाँ पे जो चावल नीचे गिर गया है ना, इसको रखने का कोई जुगाड़ करते हैं। तो जुगाड़ का मतलब यही है कि इसको लेते हैं, किसमें रखा जाए किसमें रखा जाए किसमें रखा जाए किसमें रखा जाए। थोड़ा ही चावल है तो इसको झोले में भी रख सकते हैं। अब ये क्या है, इसको देख लेते हैं। ये तो गेहूँ होना चाहिए शायद मेरे ख्याल से। अरे वाह, मेरे हिसाब से अगर मैं कुकर में दाल बनाऊं और सीटी लगते समय उससे दाल बाहर ना निकले, जो पानी सीटी के साथ निकलता है, तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी इस चीज़ से परेशान हैं तो इसका मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ कि आप जब भी दाल में नमक और हल्दी डालें तो उसके साथ थोड़ा 2-4 बूंद सरसों का तेल डाल दें, उसको बंद करिए। फिर आपका केवल प्योर सीटी निकलेगा, उसके साथ पानी नहीं निकलेगा। तो उसमें 2 बूंद सरसों का तेल डालना है, यही ट्रिक मैंने यूज़ किया था। तो अभी मैं चलता हूँ छत पे धूप गेहूँ को हुआ सुखाने, है लेकिन बारिश का भी मस्त। और आ चुका हूँ मैं छत पे, थोड़ी दूर और बचा है। तो वो वैसे मैंने दाल का जो ट्रिक बताया हूँ काफ़ी काम करता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मैं जब भी दाल बनाता था तो पानी गिरता ही गिरता था। तब मैं परेशान होकर इस चीज़ को सर्च किया और पाया, और प्रैक्टिकली मैंने इस चीज़ को देखा भी है, काफ़ी हद तक सही रहता है। सीटी केवल प्योर सीटी निकलता है, और फ्लेम को हल्का ही रखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छत पे धूल है, कण है, तो उसको साफ तो करना ही होगा। पिछली बार जब मैं गेहूं को छत पे डाला था सूखने के लिए, तो उसमें मैं डिजाइन बनाया था, एक बार लड़की बनाया था, एक बार चील बनाया था, शायद चील कौवा कुछ रहा होगा। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, अभी नॉर्मली मैं इसको बस धूप में डाल दूँगा। और यहाँ पे ये जो पन्नी है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ हैं।
तो गाइस काफ़ी लेट हो गया है, मुझे कब के चले जाना चाहिए। तारीख खाना बनाने उनाने में और भी काफ़ी सारा काम था तो लेट हो गया है। अभी फ़िलहाल हो रहे हैं करीब दिन के 2 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ खेत। मौसम तो ठंडा है, उतना ज़्यादा धूप नहीं है। और ये मैं अपने बगीचे से होते हुए जा रहा हूँ, ये ऐसे ही रहता है हमेशा, यहाँ पे कुछ बोया नहीं जाता है। बिल्कुल इसके सामने खेत वगैरह है, आम का पेड़ है, उसके आगे पोखरा है, तो यही सब है। तो ऐसे होते हुए मुझे खेत जाना है, तो चार्ज नहीं है फ़ोन में और रास्ता भी काफ़ी कीचड़ भरा है, तो मैं पूरा वीडियो नहीं बना सकता। चलिए खेत चल के ही वीडियो दिखाता हूँ। ये भैंस बहुत बढ़िया है, मारती नहीं है जल्दी, मर कहीं जगह बाबू, हाँ मर कहीं जगह। तो आज का डेली रूटीन ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा, तो लाइक करिएगा। बाकी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, जो भी इरर आपको दिखे उससे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।